फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आप लोग तो चैप्टर पढ़ ले हैं मल्टीप्लिकेशन इन प्लांट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन के 3 मेथड्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और उसकी टाइप्स आपको बताई गई थी, जैसे बडिंग वगैरह के बारे में बताया था। इसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि इसमें मैंने आपको बताया था जो प्लांट्स होते हैं बाय रूट भी जो है वो ग्रो करते हैं, उनके रूट्स भी ग्रो करके प्लांट बना लेते हैं, कुछ में स्टेम के जरिए हो रही होती है, एक लीव के जरिए। इसी तरह आर्टिफिशियल मेथड, ग्राफ्टिंग वगैरह का एक्सप्लेन हुआ था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 104। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होती कहाँ है? ठीक है, ये होती प्लांट में जो होती है रिप्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ, अगर प्लांट देखें तो उसके फ्लावर का जो पार्ट होता है उसमें ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, यानी कि फ्लावर को जो होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट कहा जाता है। ठीक है, अब ये फ्लावर में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्या होती है, जिसमें गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, यानी कि मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स जो होते हैं आपस में फ्यूज होकर जो है वो न्यू प्लांट ग्रो करता है। अब इसके बारे में पूरा डिटेल में समझने से पहले हमें समझना है कि जो फ्लावर्स के पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, फ्लावर्स के सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लावर्स के पार्ट्स, तो आपको जो है ये टॉपिक जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर की अगर बात की जाए तो फर्स्ट पार्ट जो होता है फ्लावर का वो क्या कहलाता है? कैलेक्स कहलाता है। अभी इसको मैं आपको डायग्राम के जरिए बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस पार्ट्स को कहा गया। अभी हम नेम्स देख लेते हैं। सेकंड पार्ट इज कॉल्ड द क्रोला, थर्ड पार्ट इज कॉल्ड द एंड्रोशियम, फोर्थ पार्ट इज कॉल्ड द गाइनोशियम। ठीक है, ये तो पार्ट्स हो गए फ्लावर के, और एक और टर्म्स आप याद रखिएगा कि जिस फ्लावर में ये फोर के फोर पार्ट्स मौजूद होते हैं उन्हें हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं, और कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिसमें या तो ये प्रेजेंट नहीं होगा या ये, मीन्स कैलेक्स है, क्रोला होता है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम नहीं है, तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कैलेक्स होता है, क्रोला होता है, गाइनोशियम होता है, एंड्रोशियम नहीं होता, तो ऐसे फ्लावर को भी हम क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ्लावर का जो ये पार्ट है कैलेक्स, ये फ्लावर में कहाँ मौजूद होता है? फ्लावर की आप देखें, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करूं फ्लावर की, तो आपको पता है कि फ्लावर के नीचे जो होती है स्टॉक मौजूद होती है, डंडी मौजूद होती है, जिसको हम पेडिसल कहते हैं, और ये वाला हिस्सा जो मौजूद होता है, ये स्वॉलन पार्ट जो होता है, यहाँ पे तमाम जो फ्लावर के पार्ट्स हैं अटैच होते हैं, जिसको हम थैलेमस कहते हैं। अब हम आ जाते हैं इनके पार्ट्स पे। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है फ्लावर के यहाँ पे मौजूद होता है ये छोटी छोटी ग्रीन कलर्स की आप देखते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। ये डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट जो होते हैं शेप्स के भी हो सकते हैं, और इनके नंबर्स यानी कि किसी में 4 है, किसी में 5 है, मुख्तलिफ होते हैं। तो जो ये पार्ट्स है, यानी कि एक अगर हम इसकी सिंगल लीफ को देखें, ठीक है, फ्लावर के एक सिंगल जो हिस्सा है ये कहला रहा होता है सेपल। इसको हम क्या कहते हैं? सेपल। और अगर हम इसके पूरे होवल की बात करें, यानी कि पूरे सर्कल, यानी कि एक एक भी यहाँ पे मौजूद है, इसके अलावा क्या है 4-5 और मौजूद होंगी इनके पूरे फ्लावर के पूरे चारों तरफ मौजूद होंगी,
तो वो क्या होगी, वो क्या कहलाता है, जो पूरा होरल होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैलेक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कैलेक्स कह रहे हैं कि इसका पूरा होरल जो है वो कैलेक्स करा रहा है पूरे सर्कल में, और सिर्फ एक जो की बात की जाए एक लीव की, तो वो क्या कहला रही होती है, सेपल कहलाती है। ठीक है, यानी कि इसका एक हिस्सा क्या कहला रहा है, सेपल कहला रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट द पार्ट इन अ बर्ड कंडीशन, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन अ बर्ड कंडीशन। यानी कि क्या, जब फ्लावर जो होता है बर्ड कंडीशन में होता है, कली की सूरत में होता है, तो ये क्या होती है, सेपल सब चारों तरफ से इसको बंद किए हुए होती है, वो प्रोटेक्ट कर रही होती है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे, सेकेंड पार्ट क्या कहलाता है, क्रोला कहलाता है। देखिए, ये डिफरेंट फ्लावर में जो होती है डिफरेंट कलर की, डिफरेंट शेप्स की मौजूद होती है। ठीक है, ये जो होती है मुख्तलिफ शेप्स की, मुख्तलिफ कलर की जो होती है मौजूद होती है, किसी में आप देखते हैं रेड है, किसी में जो होती है आपको दिखाई देती है येलो कलर की भी होती है, इसके अलावा आप देखें तो किसी में आपको जो है पर्पल भी नजर आती है। ठीक है, लाइट कलर में भी होती है, ये मुख्तलिफ में आप देखते होंगे कि ये पेटल्स जो होती हैं डिफरेंट होती हैं। आप यहाँ पे जो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ पेटल का, और यहाँ लिखा है क्रोला। ठीक है, इसमें भी इसी तरीके से, यानी कि एक सिंगल हिस्सा जो इसका है, सिंगल पार्ट्स जो इसका है, ये क्या कहला रहा है, इसका पेटल। ठीक है, और इसके पूरे होरल जो है, उसके पूरे होरल को हम क्या कह रहे हैं, क्रोला कह रहे हैं। ठीक है, इसका यानी कि जो पूरा होरल है वो क्या कहला रहा है, क्रोला, और सिंगल जो हिस्सा है वो क्या कहला रहा है, पेटल। ठीक है, यानी कि इसके पूरे होरल को हमने क्या कहा, क्रोला, और इसी तरह इसके पूरे होरल को हमने क्या कहा, कैलेक्स। ठीक है, ये तो टू पार्ट्स हो गए। ठीक है, अब ये पेटल का फंक्शन क्या करता है, ये जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, तो ये फ्लावर को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। अब ये पॉलिनेशन क्या होता है, ये जब हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी, तो ये उस वक्त जो है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये पेटल्स मौजूद होती है, ये इसका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, ये क्लियर हो गया सेपल, और ये हो गया पेटल, कैलेक्स एंड क्रोला के पार्ट को। अब आते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम पे, और ये जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम का पार्ट्स होते हैं, ये जो होता है रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बेसिकली जो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से होते हैं, यही एंड्रोशियम और गाइनोशियम के पार्ट्स होते हैं। अब ये जो एंड्रोशियम होता है, ये बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ होता है। ठीक है, टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है, कैसे होते हैं ये, अच्छा ये भी जो होते हैं, ये डिफरेंट फ्लावर्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर इनका मौजूद होता है। ठीक है, और डिफरेंट नंबर्स, यानी कि किसी में फोर है, किसी में सिक्स होते हैं, ये एक कॉन्स्टेंट नहीं होते। किसी भी फ्लावर में कोई भी जो ये फोर पार्ट्स हैं कॉन्स्टेंट नहीं होंगे, कि ये सिर्फ यही है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकते, या इतनी ही तादाद में, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंट होते हैं। ये इसका क्या बनाया मैंने, थर्ड पार्ट बनाया है, जिसको कहा गया है एंड्रोशियम। ठीक है, अब ये एंड्रोशियम जो होता है, ये थर्ड पार्ट है। अब ये बेसिकली जो होते हैं टू पार्ट्स से मिलके बनता है। ठीक है, मैं इसको अलग भी आपको बना के बता रही हूँ, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक के नीचे जो है इसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये कहलाता है एंथर, और ये वाला हिस्सा कहलाता है फिलामेंट। ठीक है, और इन दोनों को मिला के जो हम कहते हैं वो क्या कहते हैं, हम इस दोनों हिस्सों को मिला के कहा जाता है स्टैमेन। क्या कहा जा रहा है, स्टैमेन, यानी कि इस सिंगल पार्ट को क्या कह रहे हैं, यानी कि अगर हम एक सिर्फ लें तो इसको क्या कहेंगे हम, स्टैमेन। यहाँ पे कितने स्टैमेन नजर आ रहे हैं, फोर नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, और अगर हम इसके भी होरल की बात करें, इसके भी पूरे सर्कल, यानी कि एक फ्लावर में कितने भी मौजूद होंगे, वो तमाम मिलके क्या
क्या कहलाएंगे, इनको हम कहेंगे एंड्रोशियम। ठीक है, ये भी इसी तरीके से हो गया जिस तरह अभी मैंने आपको दूसरे पार्ट्स को समझाया था, यानी कि ये वाला हिस्सा जो एक सिंगल पूरा पार्ट्स यानी कि एंथर एंड फ्लैमेन दोनों मिलके क्या कहला रहे हैं, स्टैमेन कहा जा रहा है इसको, यानी कि कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है। और इसके हम होरल को क्या कह रहे हैं, यानी कि पूरे, यानी कि जिसमें में 4 है 5 है 6 में बहुत सारे भी होते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, एंड्रोशियम। ठीक है, अब ये जो एंड्रोशियम का पार्ट होता है ये पूरा यानी कि जो एक स्टेमेन है ये प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन, यानी कि इस एंथर के पार्ट्स में छोटे छोटे इस तरह सर्कल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन। ठीक है, ये पोलन ग्रेन्स कहलाते हैं, यानी कि इसके अंदर इस एंथर के हिस्से में क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन। और यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस में जो होते हैं ये फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होते हैं। ये इसके बारे में, फ्यूजन के बारे में वो आपको नेक्स्ट क्लास में होगा, अभी सिर्फ हम पार्ट्स पढ़ लें। ठीक है, तो ये याद रखिएगा ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, पोलन ग्रेन। इसको हम क्या भी कहते हैं, इनको हम मेल गैमेट्स भी कहते हैं। ठीक है, इन पोलन ग्रेन्स को हम मेल गैमेट्स भी कहा जाता है और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, यानी कि एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद आप देखिए हम चलते हैं फोर्थ पार्ट के पर, कि फोर्थ पार्ट कौन सा होता है। फोर्थ पार्ट जो होता है वो कहलाता है गाइनोशियम का। गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। ठीक है, ये थ्री पार्ट्स इसके होते हैं। अच्छा, ये भी डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट नंबर्स में मौजूद होते हैं। ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब ये जो इसका फोर्थ पार्ट है जिसको हमने क्या कहा, गाइनोशियम कहा गया। और ये भी जो होते हैं मुख्तलिफ फ्लावर्स में मुख्तलिफ तादाद में मौजूद होते हैं। ठीक है, और इनके जो इसको हम जो है, अगर हम इसके एक सिंगल की बात करें, ठीक है, तो सिंगल पार्ट इसका क्या कहला रहा होता है, इसको हम कहते हैं पिस्टिल या कार्पेल भी कहा जाता है। ठीक है, हम पिस्टिल भी कहते हैं और कार्पेल भी कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको भी अलग से आपको ड्रॉ करके बताऊं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह पार्ट है ये, कौन सा बनाया मैंने, गाइनोशियम का। ठीक है, अब ये गाइनोशियम का इसमें डिवाइड हो रहा है थ्री पार्ट्स में, कौन कौन से। फर्स्ट जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये कहलाता है स्टिग्मा। सेकंड, ये जो आ रही है आपके जो नेक लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या कहला रहा है, स्टाइल। और ये वाला हिस्सा जो नीचे का, ये कहलाता है ओवरी। ठीक है, ये क्या कहला रहा है, इसकी ओवरी कहला रही है। अब ये तो हो गए इसके पार्ट्स, किसके पार्ट्स को मैंने आपको बताया है, ये गाइनोशियम के। ठीक है, अब ये जो गाइनोशियम का जो पार्ट होता है, अब इसमें जो होता है ये पूरा एक मैंने ड्रॉ किया है, तो इस एक को हम क्या कहते हैं, इस एक को हम कहते हैं पिस्टिल। ठीक है, ये क्या कहला रहा है, पिस्टिल कहला रहा है। इसके अलावा हम इसको कार्पेल भी कहते हैं। और इस पूरे होरल को यानी कि पूरे सर्कल में जितने भी लगे हुए होते हैं वो क्या कहला रहे होते हैं, गाइनोशियम। अंडरस्टैंड एवरीवन, यानी कि ये पार्ट जो हो गया वो कौन सा हो गया, इसका फोर्थ पार्ट हो गया, जिसको हमने क्या कहा, गाइनोशियम का। ठीक है, अगर ठीक है, ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, जिसको हमने पिस्टिल कहा गया, और इसको हम जो होरल कहते हैं वो क्या कहेंगे, गाइनोशियम कहा गया। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट होता है इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। ठीक है,
ये पार्ट जिस तरह मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर का जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, और इसके जो निचला हिस्सा है ओवरी का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पर जो होते हैं ओव्यूल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं ओव्यूल प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि इस वाले हिस्से में जिस तरह यहाँ पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, ये क्या करते हैं ओव्यूल्स, और ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। यानी कि ये पोलन ग्रेन और ये ओव्यूल जो होते हैं, ये जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और इनके ही जरिए से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुमकिन होती है। ये किस तरह होती है ये आपको मैंने अभी बताया कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी जो है हमारा टॉपिक पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर को कर रही हूँ, ताकि आपको ये पार्ट्स समझ में आ जाए, तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी आसानी के साथ जो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इस जगह पे जो होते हैं, यानी कि ये हिस्सा जो होता है इसके अंदर जो हो रही होती है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, और इसमें बेबी प्लांट वगैरह ग्रो कर रहा होता है इनिशियल स्टेज में। ये इसका पूरा प्रोसेस जो आपको नेक्स्ट में एक्सप्लेन होगा, ठीक है। अभी जो है आपको सिर्फ ये बताया गया है कि यहाँ पर जो है कि मेल पार्ट्स कौन सा है एंड्रोशियम, और फीमेल पार्ट्स कौन सा है गाइनोशियम, ठीक है। और गाइनोशियम क्या प्रोड्यूस करता है ओव्यूल, और जो होता है एंड्रोशियम प्रोड्यूस करते हैं पोलन ग्रेन, ठीक है। अंडरस्टैंड एवरीवन, यकीनन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, काफी डिटेल्स इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, और बहुत क्लियर आपके के पार्ट्स भी और उसके फोरल्स को भी जो है आपको बता दिया है, ठीक है। दफा दोबारा देख लें, इसके यानी कि सिंगल जो लीफ है सेपल है, ग्रुप में इसको पूरे सर्कल को कैलेक्स, इसी तरह सिंगल पेटल है, ग्रुप पे इसको क्रोला कहते हैं। इसी तरह जो ये है पार्ट है इसका स्टैमिन का हिस्सा है, आपका सिंगल जो पार्ट है वो स्टैमिन कहलाता है, और ये 3-4 जितने भी मौजूद होंगे ये ओरल एंड्रोशियम। इसी तरह इसका सिंगल जो है वो क्या मौजूद होता है कहलाता है आपका क्या, इसको कहते हैं हम पिस्टल, लेकिन इसका पूरा ओरल क्या कहलाता है गाइनोशियम। अच्छा, ये मुख्तलिफ शेप्स में भी मौजूद होते हैं, और मुख्तलिफ आपको जरूरी नहीं कि इसी तरह पेटल्स तो आपको नजर आती है, सिर्फ मुख्तलिफ डिफरेंट कुछ छोटी छोटी पेटल्स भी होती है, किसी में बड़ी होती है, ठीक है। और इसी तरीके से ये वाला हिस्से जो दो हिस्से हैं, अब इस फ्लावर में आप देखिए तमाम पार्ट्स मौजूद हैं, तो हम इस फ्लावर को क्या कहेंगे कंप्लीट फ्लावर कहेंगे, और अगर इसमें कोई एक पार्ट नहीं होता तो उनको क्या कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं, ठीक है। और इसमें मुख्तलिफ तरह से ये मौजूद होते हैं, अगर आप जो है इसको देखें मुख्तलिफ पार्ट्स में, तो जिस तरह चाइना रोज का प्लांट होता है उसमें अगर आप देखें उसका जो फ्लावर होता है उसमें क्या होती है ये वाला हिस्सा बहुत ज्यादा लंबा निकला हुआ होता है बाहर की तरफ, और उसमें जो होती है ये एंथर लगे हुए होते हैं बहुत ज्यादा, जो होता है ये एंथर का पार्ट जो होता है ये इसके साथ यानी स्टैमिन का हिस्सा इसके ऊपर की तरफ निकला हुआ होता है, ठीक है। यानी कि मुख्तलिफ में बताना चाह रही हूँ कि मुख्तलिफ में प्लांट्स में मुख्तलिफ तरह के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। ये आपने देख लिया, अब मैं आपको एक वीडियो क्लिप में भी आपको पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर दिखाऊंगी, वो भी देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। Till now, we have discussed and learnt the different types of asexual reproduction in plants. But is there any other method of reproduction adopted by plants? Yes, there is. We know that some plants are capable of sexual reproduction as well. Do plants possess any special features for this? Yes, they do. Plants possess flowers. Flowers are the reproductive structure of the plant. In a flower, the male sex organ is called the stamen and the female sex organ is called the pistil. But how does this process of sexual reproduction occur? Let's try and understand it. But before that, let's have a look at the typical structure of a flower. It appears somewhat like this. A flower has mainly two components. Now, what do we mean by this? Every flower is mainly composed of two parts. They are the essential and the non-essential parts. Do we know what these are? The parts of a flower, such as the stamen and the pistil, which are the reproductive parts, are the essential parts. Their function says it all. These are essential because they are directly involved in the process of reproduction. Do we mean that if these structures are not present, then a plant will not be able to reproduce?
Yes, that's absolutely correct. So how will the plant be able to reproduce if the gamete-producing structures are not present? And what are the other parts then? Floral parts such as the petals and sepals are the next in our list, and they are the non-essential parts of a flower. These floral parts do not take part in the process of reproduction directly and are therefore called the non-essential parts. Now let's discuss each part in detail. To begin with, we have the stamen, which is the male part. What does the stamen look like? If we zoom in the structure, it looks like this. Stamen has two distinct parts, the anther and the filament. Do you think that these structures have specific functions to perform? Yes, as a matter of fact, they do. The part called the anther bears minute round bodies called pollen grains, which play an active role in reproduction. There is a specific process by which pollen grains are transferred from the anther to the female part of the same or different flower. Now, what is that part called? For that, we need to focus onto our next floral part, the pistil, which is the female part. The pistil has three distinct subparts. And what are these subparts? They are the stigma, style, and the ovary. क्लास 7 होमवर्क देख ले, 10 तक मैं करवा चुकी हूँ. क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. क्वेश्चन 13 है, व्हाट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर. ठीक है, यानी कि 11, 12 एंड 13 आपके आज के क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं. और इसके सामने डायग्राम ड्रॉ करनी है. ये डायग्राम देख लीजिए, एंड्रोशियम की पहले आप ड्रॉ करेंगे, इसी तरीके से लेबलिंग कीजिएगा साइड पे और स्ट्रेट लिखा करें लेबलिंग हमेशा. और जो है लेबलिंग के नीचे कभी भी अंडरलाइन नहीं किया करें, सिंगल या डबल कभी भी नहीं होती. सिर्फ हेडिंग के नीचे आपने डबल अंडरलाइन करनी है, लेबलिंग के नीचे नहीं करेंगे. इस तरीके से एरो डाल के आप ड्रॉ कीजिएगा. फिर इसी तरह गाइनोशियम की आपने ड्रॉ करनी है और लेबलिंग में हमेशा स्ट्रेट लिखा करें, गैप दे के तमाम पार्ट्स आपको क्लियर पता चले कि किस पार्ट को आपने क्या लेबल किया है. ठीक है, ये आपका इस तरीके से आज का काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. बाकी का आइंदा. अल्लाह हाफिज़.